साथियों आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। साथियों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको लोगों की बातों को जो है कि दिल से लगाते हैं या लोगों के बातों का जो है कि एक व्यूअर ही जो है कि मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि सर हम लोगों के बातों का ऊपर बातों का असर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा होने लगता है तो क्या करें, उसको हम कैसे उससे बाहर निकले। तो आज हम कुछ पॉइंटों के ऊपर बात करेंगे जिससे कि आपको ये निकलने में जो है कि आपको मदद करेगा। दोस्तों हम अभी गांव में हैं, कुछ आवाज़ें भी हिसाब सकती है, बैकग्राउंड थोड़ा दूसरे टाइप का है, तो सबको इग्नोर कीजिएगा और आप मेरी बातों को जो है कि बातों को सुनने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों ओसीडी सफलर जो है ना, मतलब लोगों की बातों को ना, मतलब अपने ऊपर जो है ना जल्दी विश्वास करने लगते हैं, माइंड के अंदर वही बात घूमने लगता है, जो लोग बोल देते हैं वही बात मन में घूमने लगता है, लगता है कि वो मेरे साथ सच में हो जाएगा। क्या करें जो इससे बाहर निकल सके। सबसे पहले समझते हैं ये प्रॉब्लम को, समझते हैं ये जो सिचुएशन आता है इस सिचुएशन को समझते हैं। सो क्या होता है ना कि जब आपको कोई लोग कुछ बोलता है तो आपका जो है ओसीडी के दौरान जो है कि आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, आप जो है ना अपने से ज़्यादा वैल्यू दूसरे को देने लगते हैं, लोगों की बातों को ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं। तो अपने से जो है कि जितना आपका वैल्यू है ठीक, उससे जो ज़्यादा वैल्यू जो है कि दूसरे को देने लगते हैं, इसमें जा करके फंस जाते हैं। ये क्यों देने लगते हैं, क्योंकि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम होता है और सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है। दोस्तों आप जो है यहाँ पर क्या होता है कि आपके हाथ में जो है कोई सिचुएशन नहीं है कि कब कौन कब क्या लोग बोल देंगे, कब क्या बोल देंगे, क्या ये आपके हाथ में है, आपका किस पे कंट्रोल है, क्या आपके आपके हाथ में ये कंट्रोल है कि कोई लोगों को आप बदल सकते हैं, नहीं है दोस्तों। कब कौन सा लोग आके क्या बोल देगा नहीं बोल देगा, वो भी बोलेगा अपने प्रस्पेक्टिव से, वो आपके प्रस्पेक्टिव से नहीं, वो जैसा आदमी है वो अपने प्रस्पेक्टिव से बोलेगा, लेकिन वो आपके साथ वो चीज़ होने लगता है, आप उनके बातों को वैल्यू लगते हैं, आप जो है कि डरते इसलिए हैं उनके बातों से कि क्योंकि आप उसके बातों को मानने लगते हैं, अपना बात मानने लगते हैं, इसी कारण से डरने लगते हैं। अब क्या करना होगा कि इग्नोर करने के लिए सीखना होगा दोस्तों। इग्नोर क्या करना है दोस्तों, कि कोई भी कुछ बोले तो उनके बातों को नहीं मानना है, क्योंकि कुछ बोलने से क्या होता है, अब बोलने से कहाँ कुछ होता है, बोलते तो बहुत सारा चीज़ है, हम आप भी देखिए आप भी बहुत सारा चीज़ बोलते हो किसी को, क्या वो सारा चीज़ हो जाता है उनके साथ, नहीं होता है दोस्तों। उसी तरह से लोग भी कुछ आपको बोलते हैं तो उनका जो है कि असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, तो ये चीज़ जो है ना एक रियलिटी है। अब जो है यहाँ पर एक चीज़ और समझना होगा कि बोलने से कुछ नहीं होता है, करने से कुछ होता है। अब यहाँ पर जो है कि आप सोच रहे हैं कि कुछ बोल दिए किसी को तो क्या वो तो होता ही नहीं है, लेकिन जब करते हैं तब कुछ, जैसे हम सोच लिए कि पंखा को बंद हो जाए, क्या पंखा बंद हो जाएगा जब तक स्विच को बंद नहीं करेंगे, तो उसी तरह से जब तक जो है कि पंखा को ऑन नहीं करेंगे तब तक पंखा ऑन नहीं होगा, तो मतलब करने से हुआ, सोचने से कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर दो चीज़ और चीज़ आता है, एक होता है बिलीफ, अगर आप दूसरे के बिलीफ को मानते हैं, दूसरे की बातों को वैल्यू देने लगते हैं, आपका जो नज़रिया जो है कि दूसरे को ऊपर बढ़ा देते हैं, इसी कारण से आप फंस जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि देखिए लाइफ है, लाइफ में तो बहुत सारे लोग आपके से आएंगे, कौन क्या बोल देगा ये आपके हाथ में है ही नहीं, आपके हाथ में सिर्फ खुद को बदलना, सिर्फ खुद को बदल सकते हैं आप ओसीडी के दौरान। ये चीज़ अपना जिम्मेदारी लीजिए कि क्या करें ऐसा चीज़ कि दूसरा कोई भी चीज़ बोले, अच्छा बोले बुरा बोले, फर्क ही ना पड़े। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, कि रियलिटी में करना होगा, ये चीज़ समझना होगा किसी के बोलने से कुछ भी नहीं होता है। क्या कोई बोल देता है कि आप क्लास में फर्स्ट आ जाएंगे, क्या उससे आप फर्स्ट आ जाते हैं क्लास में, आप पढ़ेंगे पढ़ाई करेंगे, आप जो है कि मेहनत करेंगे तब जा कर के फर्स्ट आएंगे ना, तो किसी के बोलने से कहाँ कुछ हो जा रहा है। इस चीज़ को बात को समझिए ना कि किसी को बोलने से कुछ नहीं, हाँ लाइफ में बहुत सारे लोग नेगेटिव बात आपको बोलने आएंगे, बहुत सारे लोग कुछ बोलने आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, उसको नज़रअंदाज करना है, उसको इग्नोर करना है। जब उसको इग्नोर करेंगे तब आप जो है कि धीरे धीरे इग्नोर करेंगे तब जा करके आपके अंदर जो है ना धीरे धीरे इग्नोर करना है, बोलना क्या फर्क पड़ता है, बस अपने आप कहना कि मेरे किसी को बोलने से कुछ, इस बिलीफ को मान लीजिए कि मतलब कि किसी को बोलने से कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता, करने से कुछ होता है। माइंड का क्या नियम है कि कोई बात को पकड़ लेता है और वो घूमते रहता है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा।
ये जो है कि आप भी एक्सपीरियंस किए होंगे कि जब भी कोई कुछ बोल देता है तो माइंड के अंदर जो है घूमते रहता है उस बात को, इस बात को समझना होगा और उसको हल्का फुल्का लेना सीखिए। मतलब कि हाँ ठीक है बोल दिया कोई बात नहीं, हल्का फुल्का लेना सीखिए। नहीं तो क्या होगा कि आप धीरे धीरे जो है ना आपका माइंड का नियम जो है ना अभी जो बना हुआ है कि लोगों को बातों को दिल पर लगा लें, कितने के बातों पर आप दिल पर लगाएंगे दोस्तों, कितने के बातों को दिल पर लगाएंगे? आपको क्या करना है दोस्तों, किसी की बातों को दिल पर नहीं लगाना, आपको हल्का फल्का लाइफ में जो है कि सिचुएशन आएंगे बस अपने आप को बदल लेना है कि दोस्तों दूसरे के बातों को दिल से नहीं लगा, उसको नज़रअंदाज करना सीखे, उसको जो है कि वैल्यू देना जो है कि अपने आप को जो है ना सोचे हम जो करेंगे हाँ मानना जो गलत चीज़ हो रियलिटी में जितना हो उतना करना सीखे दोस्तों। इसलिए जो है कि दूसरे की बातों को ज़्यादा वैल्यू नहीं दे, अपने आप को बोले कि हम भी बेहतर हैं। लोगों का ये नियम है कि लोग मानने लगते हैं कि हम किसी से कम हैं, लेकिन नहीं, आप भी जो है लोगों से बेहतर है। ये चीज़ जो है कि आप इसी जब आप लोगों को इग्नोर करना सीखेंगे, बार बार इग्नोर करेंगे तो आपका माइंड क्या होगा ना कि जो माइंड बहुत सारा जो अगल बगल में हो रहा होगा उसको धीरे धीरे इग्नोर करना आप सीखेंगे। ऐसा करते हैं कि ये वीडियो में आपको समझ में आएगा कि लोगों से कैसे डील करें, लोगों की बातों को दिल से कैसे ना लगाएं। तो हम और भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ये टॉपिक जो है ना बहुत बड़ा है, इस पर हम और भी वीडियो लाएंगे और भी आपको क्लियरिटी हम बताएंगे। हम जहाँ मेरा सेटअप है जिसे हम अनुसार में रहते हैं वहाँ पर जाएंगे तो हम आपको इसके पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे दोस्तों कि इस टॉपिक को कैसे जो हैंडल करना है, क्योंकि हम भी इसको हैंडल किए हुए तो हम आपको और भी डीपली से बताएंगे। ऐसा करते कि ये वीडियो में आपको कुछ समझ आया होगा, अगर समझ आया है तो अच्छी वाली बात है, और क्या समझ में आया हमें कॉमेंट करके बताइए दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल, बी हैप्पी।